दोस्तों लोग कहते हैं एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए आपके पास यूनिक आइडिया होना चाहिए, नहीं तो आपके बिजनेस में कोई टेक्निकल इनोवेशन होना चाहिए। लेकिन हम आज जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ उसके पास ना कोई यूनिक आइडिया था ना कोई टेक्निकल इनोवेशन की, फिर भी वो अपने सेगमेंट में नंबर वन पोजिशन पर खड़ा है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज जिस ब्रांड के बारे में बात करने वाला हूँ उसका नाम है बोट। 2016 में जब अमन गुप्ता और समीर मेहता ने शुरू किया था तब उनका पहला प्रोडक्ट हुआ करता था एप्पल यानी कि आईफोन मोबाइल का चार्जर। आज उनकी लॉन्च करी हुई ब्रांड म्यूजिक एक्सेसरीज एंड स्मार्ट गैजेट के सेगमेंट में इंडिया की नंबर वन और वर्ल्ड की फिफ्थ नंबर वेयरेबल ब्रांड बन चुकी है। आज इनका डेली यानी कि हर रोज 10,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है। इनका जो टर्नओवर था 2020 में 708 करोड़ और 2021 में डबल ग्रोथ रेट के साथ 1550 करोड़। और यही नहीं, ये कंपनी जब से स्टार्ट हुई है यानी कि 2016 से अपने ही ग्रोथ रिकॉर्ड को तोड़ते जा रही है। तो चलिए जानने का कोशिश करते हैं बोट का बिजनेस मॉडल क्या है, क्यों इस पे इन्वेस्टर लाखों करोड़ों इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या है बोट का मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक बने रहो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। शुरू करते हैं बोट का स्थापक अमन गुप्ता से। अमन गुप्ता सिटी बैंक और JBL में प्रोडक्ट मैनेजमेंट में काम कर चुके हैं और वो हमेशा से ही एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के रहे हैं। इसलिए उसने नोटिस किया कि इंडिया में आईफोन यूजर का एक बड़ा सेगमेंट है, लेकिन उसे एक दिक्कत आती है जब उसका चार्जर खराब हो जाता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं बचता एप्पल के चार्जर के खरीदने के अलावा। और एप्पल का चार्जर बहुत महंगा आता था और जो अल्टरनेटिव थे वो वेस्ट ऑफ मनी थे। तो उसने ये मार्केट गैप को देखते हुए अपने कुछ पर्सनल सेविंग से चाइना से कुछ यूनिट एक अच्छी हैवी क्वालिटी का चार्जर इंपोर्ट करवाई। तब उसके पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क नहीं था तो उसने अमेजोन फ्लिपकार्ट इन जैसी मार्केट प्लेस में अपना प्रोडक्ट को लिस्ट कर दिया और उस चार्जर का प्राइस रखा 1500 रुपये। और उस प्रोडक्ट पे उसे काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला क्योंकि उनके प्रोडक्ट में सच में क्वालिटी था। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ना होने के कारण उसने D2C मॉडल में काम किया और उससे उसका एक अच्छा खासा प्रॉफिट बचा क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में जो बीच में प्रॉफिट मार्जिन बस लगता है वो सारा उनका बच गया। ये प्रॉफिट को उसने यूज़ करते हुए सोचा कि हमें म्यूजिक एक्सेसरीज एंड स्मार्ट गैजेट के सेगमेंट में एंटर करना चाहिए, अपनी कंपनी को इससे एक्सपेंड कर सकते हैं। लेकिन तब इंडिया में ऑलरेडी 200 से ज़्यादा प्लेयर काम कर रहा था इस सेगमेंट में, जैसे चाइनीज, जापानीज, अमेरिकन, जर्मन। ऐसे में उसे एक ऐसा मार्केट गैप ढूंढना था जहां कोई काम नहीं कर रहा हो या ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। तब उसने नोटिस किया टॉप ब्रांड अपना प्रोडक्ट प्रीमियम कैटेगरी में सेल कर रहे हैं और जो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल हो रहा है वो चाइनीज ऑल्टरनेटिव है और जो बीच का सेगमेंट है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। इस बहुत बड़े गैप को आइडेंटिफाई करते हुए बोट ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से इस्टेब्लिश किया। इस बहुत बड़े गैप के कस्टमर को समझ के उनके नीड एंड डिमांड और बिहेवियर के हिसाब से अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते गए और जो चाइना की सस्ती मैन्युफैक्चरिंग ताकत थी उसे ही इस्तेमाल करके चाइना की जो सस्ती ब्रांड है उनके अगेंस्ट अपना प्रोडक्ट को लॉन्च किया। इंडिया में जो अभी टॉप वेयरेबल ब्रांड है उनका मार्केट शेयर आप इस डेट में देख सकते हो, जिसमें अकेला ही बोट 37 मार्केट शेयर कैप्चर करके बैठा है। अगर आप ऐसे ही चैट, ऐसे ही बिजनेस न्यूज़, मार्केटिंग न्यूज़ इस फॉर्म में देखना चाहते हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। तो चलो बात करते हैं उस खास मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में जिसकी मदद से बोट बना है इंडिया का नंबर वन वेयरेबल ब्रांड। इनका पहला मार्केटिंग स्ट्रेटजी रहा है अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, मतलब कस्टमर को बारीकी से समझना। इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो है यूथ पीपल और यूथ पीपल को अच्छी तरीके से समझने के लिए ये अपने कंपनी में ऐसे बहुत सारे इंटर्न्स करवाए जिसमें मौका दिया यंग बच्चों को अपने कंपनी में इंटर्न्स करने का या काम करने का। और उस बच्चे के साथ बोट के को फाउंडर CEO ज़्यादातर टाइम स्पेंड करने लगे उसे अच्छी तरीके से समझने के लिए, जैसे वो बात किस तरह करते हैं, उसका बिहेवियर क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, इस तरह से बारीकी से समझने लगे उसे।
इनका जो दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो है पुशिंग ए लाइफस्टाइल ब्रांड। बोट ने अपने आप को कभी भी एक्सेसरीज एंड स्मार्ट गैजेट ब्रांड हिसाब से प्रेजेंट नहीं किया, वो हमेशा अपने आप को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट हिसाब से प्रेजेंट किया। अपने आप को लाइफस्टाइल प्रोडक्ट ब्रांड रियलाइज कराने के लिए अपने कस्टमरों को वो एक बार लैक्मी फैशन वीक में भी अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर चुका है। और आपको मैं बता दूं, लैक्मी फैशन वीक एक लाइफस्टाइल ब्रांड है और उसमें अपने प्रोडक्ट को शोकेस करवा के अपने कस्टमरों को रियलाइज करवाया कि ये एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है, लाइफस्टाइल ब्रांड है। और उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा बोट पे लाइफस्टाइल ब्रांड होने का। और तीसरा है रेंज ऑफ इम्प्रूवमेंट। बोट ने अपने प्रोडक्ट को हमेशा न्यू ट्रेंड के हिसाब से, न्यू ट्रेंड को पकड़ के रखा और उसके हिसाब से अपना प्रोडक्ट बनाया और ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा स्टाइलिश बना के प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। और नंबर चार स्ट्रेटजी है डिजिटली फास्ट अप्रोच। बोट हमेशा अपने आप को डिजिटली फास्ट रखा है। अब डिजिटली फास्ट क्या होता है मैं आपको बता दूं कि बोट ने अपने आप को डिजिटली इस्टेब्लिश करके रखा है। इनका 80% सेल ऑनलाइन आता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन जैसी जितनी भी कंपनी है इनके थ्रू इनका 80% से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल होता है। फिफ्थ स्ट्रेटजी सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट। फिफ्थ स्ट्रेटजी इनका शुरू से ही खास रहा है सेलिब्रिटी से अपने ब्रांड को इंडोर्स करवाना, जैसे क्रिकेट स्टार से, बॉलीवुड स्टार से। पहले इसने जैकलिन को हायर किया एज ए ब्रांड एम्बेसिडर, उसके बाद इसने बहुत सारे सेलिब्रिटी से अपने ब्रांड को प्रमोट कराया, जैसे क्रिकेट स्टार से, बॉलीवुड स्टार से, जिसमें प्रमुख नाम है कियारा अडवाणी, कार्तिक आर्यन, नेहा कक्कड़, दिलजीत दोसांझ, और क्रिकेट से हार्दिक पांड्या, शिखर धवन, केएल राहुल, ये जितनी भी सेलिब्रिटी का नाम लिया मैंने, ये सारे सेलिब्रिटी यंग है, युवा है, और इनका जो फैन बेस है वो यूथ पीपल है। और बोट का जो कस्टमर सेगमेंट है वो यूथ पीपल को वो टारगेट करता है और इनके जरिए से अपने ब्रांड को एंडोर्स करवाया, यूथ पीपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो पाया, अपने ब्रांड को वो प्रेजेंट कर पाया इनके थ्रू। और इसके अलावा बोट ने मार्केटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। अभी जो फिलहाल IPL हुआ है उसमें 6 अलग अलग टीमों को स्पॉन्सर किया था बोट ने। और इसके अलावा इसमें स्पेशल कलेक्शन लाते रहता है, जैसे मार्वल कलेक्शन लाया था कुछ दिन पहले। तो हम लोग बोट के इस केस स्टडी से समझ सकते हैं कि एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करने के लिए ना कोई यूनिक आइडिया, ना कोई इनोवेशन की ज़रूरत है। बस आप जिस सेगमेंट में, जिस सेक्टर में आप काम करना चाहते हो, उस सेक्टर में एक छोटा सा गैप आइडेंटिफाई करना होगा और उस गैप को बहुत अच्छी तरीके से फुलफिल करके आप एक अपना ब्रांड, एक कंपनी बिल्ड कर सकते हो उस सेक्टर में। और उस ऐसा एक आप उसमें ब्लूप्रिंट कर दो जो आप कोई और उसमें एंटर ना कर सके। ऐसे इंडियन कंपनियों के बारे में पढ़ के, सुन के वीडियो बनाते वक्त हमें बहुत अच्छा फील होता है और बहुत मोटिवेट होता हूँ, और आपको भी होना चाहिए। इस कंपनी के सक्सेस स्टोरी के लिए एक लाइक तो बनता है और सब्सक्राइब, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करिए, अगर नहीं तो मत करिए। बट आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।